नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल वल ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जॉर्जिया देश के बारे में, जो पश्चिमी एशिया और पूर्वी रूस को जोड़ता हुआ एक खूबसूरत देश है और प्राकृतिक नजरिए से इस देश को बहुत ही खूबसूरत माना जाता है और यहां का वातावरण इसे और भी सुंदर बनाता है। वैसे तो बालकान देशों के लोग बहुत ही खूबसूरत माने जाते हैं, लेकिन इनमें जॉर्जिया के लोगों की सुंदरता बहुत ही आकर्षणीय है और यहाँ के लोग न तो यूरोप जैसे दिखते हैं और न ही एशिया जैसे। जॉर्जिया देश की सीमाएं उत्तर में रूस तथा दक्षिण में तुर्की, अर्मेनिया और अजरबैजान से मिलती हैं और इसके पश्चिम में काला सागर है। जॉर्जिया का कुल क्षेत्रफल 69,700 वर्ग किलोमीटर है। इस देश की जनसंख्या 37,23,000 के आसपास है तथा यहाँ जनसंख्या का घनत्व 53 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जॉर्जिया की राजधानी तिबलिस है और यह 350 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करती है। देश की ज्यादातर जनसंख्या राजधानी में ही निवास करती है, जो 11,47,000 के आसपास है। जॉर्जिया की कुल जीडीपी 46.055 बिलियन डॉलर है और पर कैपिटा इनकम $4,800 है, जो भारत से लगभग 1.5 गुना है। यहाँ की आधिकारिक मुद्रा जॉर्जियन लोरी है। काकेसस पर्वत में सोना, चांदी, तांबा और लोहे का खनन किया जाता है। जॉर्जिया में कृषि तथा पर्यटन प्रमुख आर्थिक क्षेत्र हैं। पर्यटन जॉर्जियाई अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। 2016 में लगभग 27,00,000 पर्यटक यहाँ घूमने आए और 2.16 बिलियन अमेरिकी डॉलर देश में लाए। जॉर्जिया से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। जॉर्जिया में किसी भी महत्वपूर्ण आकार का कोई प्राकृतिक झील नहीं है। सभी प्रमुख झीलों का निर्माण इंसानों द्वारा किया गया है। मार्टिन लूथर किंग का जन्म अटलांटा में 15 फरवरी 1929 में हुआ था। आज आप उनके बचपन के घर और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ इंटीरियर के राष्ट्रीय उद्यान सेवा द्वारा रखे संग्रहालय की यात्रा कर सकते हैं। जॉर्जिया में अगर कोई पूछता है आप कहां से हैं, लोग आमतौर पर किसी जिले के नाम के साथ जवाब देते हैं, न कि कोई शहर। जॉर्जिया कम से कम 8,000 सालों से शराब का उत्पादन कर रहा है और यह शराब का जन्म स्थान माना जाता है। यहाँ शराब का उत्पादन संयोगवश हुआ। अंगूर का रस मिट्टी के बर्तन में डाला गया और इसे जमीन के नीचे दफन कर दिया और यह शराब में बदल गया। यूनेस्को में पारंपरिक जॉर्जियाई शराब बनाने की विधि को सूचीबद्ध किया है। मई 1986 में एक कर्नल पम्बरटन ने एक दवा की दुकान में कोको कोला तैयार किया था। वर्तमान में कोको कोला का मुख्यालय अटलांटा में है। जॉर्जिया में बेरो नदा गुफा, जिसे करूबेरा गुफा भी कहा जाता है, दुनिया की सबसे गहरी गुफा है, जो 7208 फीट गहरी है। साल 1998 के ओलंपिक खेलों का आयोजन अटलांटा में किया गया था, जिसमें 197 देशों ने भाग लिया था। दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।